students, welcome to maths class. I, Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class, we had done exercise 6.2 of chapter 6, that is the triangle and its properties. In this class, we are going to start exercise 6.3. Let us do first question. Find the value of the unknown x in the following diagrams. जो ये diagrams हमें given है, इसमें एक angle अननोन है, दैट इज एक्स. हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज 6.2 थी, वहां हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया था, और इस एक्सरसाइज में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, और साथ में ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, उसका यूज करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीन एंगल्स, तीन में से एक हमारे पास मिसिंग है. तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये एंगल ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए, मींस इसके साथ ऐसे स्मॉल एम लिखा हुआ मिल सकता है. क्लियर? तो ये दोनों सेम ही है, उस एंगल का मेजर ही लिखेंगे यहां पर कि कितने डिग्रीज का है. तो एंगल ए ब्रैकेट में हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल ए की मेजरमेंट यहां पे देखो, ये अननोन है, तो एक्स प्लस एंगल बी कितना है 50 डिग्रीज प्लस एंगल सी कितना है 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180. तो एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्रीज. तो फर्स्ट पार्ट में जो अननोन एंगल x है वो कितना आया, 70 डिग्रीज यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर. देखो यहां पर ये पी एंगल पे ये राइट एंगल का साइन है, ठीक है? तो मीन्स जो पी एंगल है वो कितना गिवन है, 90 डिग्रीज. क्लियर? अब पी हमें गिवन है, क्यू गिवन है, और आर अननोन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ऐसे ही फाइंड करेंगे. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल पी कितना है 90 डिग्रीज प्लस एंगल क्यू कितना है 30 डिग्रीज प्लस आर के प्लेस पे एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180. एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 180 डिग्रीज माइनस 120 देन एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. तो सेकेंड पार्ट में एक्स कितना आया 60, और फर्स्ट में एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 70. क्लियर? तो ऐसे हम अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस डू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. जो यहां पर इन डायग्राम्स है, एक्स और वाई अननोन एंगल्स हैं, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग टू प्रॉपर्टीज, वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड अदर इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. देखो सबसे पहले हम इस एक्स और 50, हमें पता है इस 120 के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन है, एक तो एक्स और दूसरा 50. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से ये 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, x प्लस 50 डिग्रीज. 120 डिग्रीज इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्रीज. क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 50 दैट इज 70 डिग्री. तो हमारे पास एक अननोन x कितना आया 70. अब x 50 और y ये क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है,
और इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। x हमें पता है 70, ये 50, तो हम y फाइंड कर सकते हैं। नाउ x प्लस y प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? आप इसको पूरा लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। x के प्लेस पे 70 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 70 और 50 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहां से y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्रीज। क्लियर? तो मेरे पास जो दोनों अननोन्स थे उनकी वैल्यूज आ गई, एक 70 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। सेम ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो दो अननोन्स है, एक x और एक y। अब हमने लाइंस एंड एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दोनों कट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, एक एंगल ऊपर बन रहा है और एक नीचे। देखो ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 80 डिग्री इज इक्वल टू y। हियर y कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक एंगल आ गया y इज इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू आ गई, अब देखो y 50 और x ये क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। तो y प्लस x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? y के प्लेस पे 80 डिग्री प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 80 और 50 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से x कितना आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज दैट इज x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आई 50। तो हमारे पास दोनों अननोन्स की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही हम इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं जिसमें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके अननोन जो एंगल्स है मेरे पास, वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.3 इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। थैंक यू स्टूडेंट्स।